सो हेलो गाइस, नया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस स्प्लेंडर गाड़ी देख रहे हैं ये है बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, और इसमें मैं दिखा देता हूँ 163 मतलब 163 किलोमीटर चला हुआ है। बट इस गाड़ी का नंबर अगर आप देखेंगे, गाड़ी का नंबर देख लो, ये है WB30A, मतलब ये 2020 साल का गाड़ी है, 2020 मार्च मास का गाड़ी, और अभी चल रहा है 2023, तो मतलब लगभग 3 साल के ऊपर ही गाड़ी हो चुका है, 3 साल 1 महीने इसका एज है। बट गाड़ी देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इस गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करके ही इसको डिलीवर करना है, यही इसका मतलब मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि अभी गाड़ी तो 3 साल से खड़ा है, और इसका ये वाला ये कॉक भी जाम है, और सॉरी उल्टा साइड लगा जाए आई थिंक। तो सबसे पहले देखेंगे गाड़ी चालू होता है कि नहीं। सबसे बढ़िया ये कि बैटरी यहाँ पे है और बैटरी का लाइट भी जल रहा है, तो सेल्फ मार के देखते हैं। एज एक्सपेक्टेड सेल्फ वगैरह नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आने वालों को दिखाने वाला हूँ। जैसे गाड़ी ये खड़ा था तो इसका जो पेट्रोल है टैंक के अंदर हम चेक करेंगे पेट्रोल है कि नहीं, और अगर हम चाबी ऑन करते हैं इसका मीटर शो कर रहा है कि इसमें टैंक में पेट्रोल है, देखो ठीक है टैंक में पेट्रोल है तो। बट कार्बोरेटर का जो पेट्रोल है ये डेफिनेटली सूख गया होगा और ये जाम करेगा, तो ये स्टार्ट तो अभी होगा नहीं, कीक मार के फायदा नहीं है। सबसे पहले हम काम करेंगे इसका स्पार्क प्लग खोलेंगे, पहले पॉइंट। सेकेंड हम इसका कार्बोरेटर खोल के वॉशिंग करेंगे, एंड थर्ड इसका कंप्रेशन चेक करेंगे, क्योंकि वो कंप्रेशन हो सकता है वीक हो चुका है, तो गाड़ी बिल्कुल ब्रांड नहीं हो सकती, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और लास्टली इसका जो एयर फिल्टर है वो हम चेक करेंगे। तो ये 4 चीज़ें अगर गाड़ी बहुत दिन से खड़ा है इसको चेक करना पड़ता है। बाकी सबसे पहले इसको हम इसका जो ये वाला सिस्टम है स्पार्क प्लग खोल के देख लेते हैं कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसको हम साइड में करते हैं। मतलब ओनर ने इस गाड़ी को बाइक किया और बाइक को खड़ा कर दिया, और यहाँ पे देखो स्पार्क प्लग का कंडीशन मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा ब्लैक ही हो चुका है। तो स्पार्क प्लग को क्लीन करेंगे, इसका गैप ठीक है, और इसको हम 2-3 किक करेंगे। और मैं बता दूँ इसका ऑयल चेंज करना बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि बाइक 3 साल से खड़ा है और ऑयल खड़ा खड़ा सड़ जाता है। तो किक हमने कर दिया है, अब इसका हम इसमें हेड में थोड़ा सा इंजन ऑयल लेंगे ताकि कंप्रेशन का अगर प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व हो जाए। स्पार्क प्लग के होल में हमको बस इतना काफ़ी है, अभी इसको हम किक करेंगे। देख सकते हो ऑयल आ रहा है, बस इतना काफ़ी है। अभी सिंपली हम इसका प्लग को क्लीन करके हल्का सा, क्लीन ही है बट थोड़ा सा काला हो चुका है, इसको हम लगा देंगे। और अभी हम इसका कार्बोरेटर खोलेंगे और खोल के जस्ट क्लीन करेंगे नॉर्मली, क्योंकि इसके अंदर जो पेट्रोल जमा रहता है ना वो चिपक जाता है, मतलब अगर इसको आप बहुत दिन के लिए खड़ा करते हैं तो। और कंपनी के जो सेटिंग है माइलेज सेटिंग का वो हम बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे क्योंकि 130 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है। सिंपली हम इसको ये वाला सिस्टम खोल के इसको मेन जेट स्लोजेट क्लीन कर देंगे, बाकी देखते हैं कंडीशन कैसा है। तो एज एक्सपेक्टेड देख सकते हैं जो ओल्ड पेट्रोल इसके अंदर चिपक गया है, तो इसको हमको क्लीन करना पड़ेगा। और अगेन हमको स्लोजेट मेन जेट मैं बहुत वीडियो में दिखा चुका हूँ, इसको खोल के एयर प्रेशर से या फिर फू मार के क्लीन कर लीजिए, पेट्रोल क्लीन कर लीजिए, ये खोल के स्लोजेट मेन जेट, बाकी उसका कार्बोरेटर सेट हो जाएगा। तो जो हमारा मेन मेन काम था वो हो गया है, अभी स्प्लेंडर है, भरोसा तो है कि स्टार्ट हो जाएगा। और अभी इसका हम बैटरी को निकल के अभी चार्जिंग में देने वाले हैं, उससे पहले किक से तो स्टार्ट हो ही जाएगा ना, तो इससे पहले लास्ट एक काम करना है। कार्बोरेटर वॉशिंग हो गया, प्लग क्लीन हो गया, इसका कंप्रेशन बनाने के लिए हमने हेड में और इंजन ऑयल भी डाल दिया, ठीक है तो बेसिक काम हो गया। अभी इसका हम ये वाला एयर फिल्टर एक बार चेक करेंगे, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करेंगे। 2-3 किक मार के आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर एयर फिल्टर रहता है उसको हम एक बार चेक करेंगे कि उसके अंदर जाली वगैरह ऐसे गंदगी होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसको खोलेंगे, 3 साल से खड़ा है तो खोलना पड़ेगा।
सो एज यू कैन सी इसके अंदर से क्या निकला है, ये क्या है भाई, तो लग रहा है कि चल जाएगा, बट एक्चुअली फट गया है, ये देखो पूरा आर पार दिख रहा है। रिकमेंडेड है इसका, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है, रिकमेंडेड है इसको आप चेंज कर दीजिए, बट क्या कर सकते कस्टमर। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे किक से, देखते हैं कितने किक में स्टार्ट होता है। तो एज यू कैन सी दो में गाड़ी स्टार्ट हो गया, बट अभी ये व्हाइट स्मोक दे रहा है नया गाड़ी, क्योंकि हमने इसके इंजन के हेड के अंदर मोबाइल डाला है, इसलिए ये व्हाइट स्मोक दे रहा है, मतलब 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलाने के बाद ये मतलब स्मोक बिल्कुल चला जाएगा। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं फिर से। अभी हम इसका चेक करेंगे इसका कावड़ का ट्यूनिंग सही है कि नहीं, कंपनी से मैंने कुछ छेड़खानी किया नहीं है, तो अभी ट्यूनिंग का साउंड सुन लो। अभी देखो ट्यूनिंग का साउंड सुन लो, ट्यूनिंग प्रॉपर है, ट्यूनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिंपली हम गाड़ी को वॉश करेंगे, देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी दिख रहा है और सब कुछ काम कर रहा है, प्रॉपर प्रॉपर काम कर रहे हैं। प्रॉपर काम कर रहे हैं। लेने वाला है ऑलराइट गाइस। तो अभी हम इसका इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं फाइनली, क्योंकि 3 साल हो गया है, तो अभी इंजन ऑयल का मैं क्वालिटी भी अभी इंजन ऑयल का मैं क्वालिटी दिखाऊंगा। उससे पहले हम जो इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो है ये रहा मोतुल 3100, आप मोतुल 3100 10W30, और इसमें डलता है 900 ml, तो 900 ml हम डाल रहे हैं इसमें, और इसमें आप 10W40 यूज़ कर सकते हो। देखो ओल्ड मॉडल जो स्प्लेंडर है ओल्ड मॉडल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल देख सकते हैं, इंजन देख सकते हैं, तो इसमें आप 20W40 ग्रेड का इंजन यूज़ करें, बट जो न्यू मॉडल है BS4 प्लेटिना हो गया, न्यू मॉडल का 100 cc से 125 cc जितने भी है पल्सर का छोड़ के आप 10W30 यूज़ करें, बट अगर आपका हीटिंग प्रॉब्लम आ रहा है बाइक में तो आप 10W40 यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं प्लेटिना पे 10W30 कंपनी बोलता है, बट मैं 10W40 1500 मोतुल यूज़ करता हूँ, वो उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है। अब इसके इंजन क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसका इंजन ऑयल हमने ड्रेन कर लिया है, देखो इस इंजन का क्वालिटी देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बट इसको हम चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो चिकना मतलब चिपचिका बनता वो 3 साल खड़ा रहने के बाद मतलब ख़राब हो जाता है, आप इसको ना चलाएं तो आप न्यू इंजन ऑयल ही डालें, तो हम इसमें न्यू इंजन ऑयल डाल के इसको स्टार्ट करेंगे। और इसका बैटरी वीक था तो बैटरी को हमने फाइनल इसमें चार्जिंग पर लगा दिया है, देख सकते हैं, क्योंकि और जिसके जो साइड बैनल है वो यहाँ पे सही करता है, तो बैटरी था ऑब्वियसली 3 साल से बाइक खड़ा है तो बैटरी इसका डिस्चार्ज हो गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2 मिनट बाद की बैटरी इसका सही है कि नहीं, क्योंकि अभी बैटरी का वोल्टेज था वो 2 वोल्ट दिखा रहा था, अभी बैटरी चार्ज करा है 10 वोल्ट आ गया है, ठीक है अभी 12 वोल्ट जाएगा, देखेंगे सेल वगैरह दे के अगर होता है तो बैटरी चलाएंगे या फिर इसको न्यू चेंज करना पड़ेगा, बाकी वो देखेंगे।
ऑलराइट फाइनली हमने इसका बैटरी इंस्टॉल कर दिया है और बैटरी लकीली चार्ज हो गया अभी 13.1 मतलब फुल चार्ज हो गया है। अभी मतलब देखना पड़ेगा ये सेल वगैरह अभी तो ले रहा है, अभी तो एक सेल में स्टार्ट हो रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सेल ले रहा है, सब कुछ ओके है। बाकी अब इस वीडियो को ये पेंट करते हैं। बाकी वाला स्प्लेंडर काफ़ी पसंद है मुझे, मैंने सोचा कि इस प्लैटिना ले बेस के स्प्लेंडर ले लो, नहीं भाई प्लैटिना ही ठीक है अभी के लिए। सो इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। सो ऐसा मिलता है अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में आप देखेंगे ये वाला जो स्प्लेंडर है इसका फुल इंजन, मतलब ये वाला स्प्लेंडर जो है सीज हो गया है इंजन, तो इसके इंजन रिबिल्ड एंड ओपनिंग देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इस स्प्लेंडर के वीडियो भी देखेंगे। सो ऐसा मिलता है अगले पार्ट में। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।